नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल एनआरजे फाइनेंस पर। तो दोस्तों, यहाँ पर मैक्सिमम 5 to 6 मिनट्स की वीडियो होगी जिस पर हम लोग डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको डेली निफ्टी और बैंक निफ्टी से रिलेटेड अपडेट्स इस पे मिलते रहेंगे, और इसके साथ में भी जो भी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज होती है वो मैं डेफिनेटली शेयर करता रहता हूँ, तो आपको वहां से लेटेस्ट अपडेट मिलता रहेगा। तो चलिए बात करते हैं निफ्टी की। तो एग्जैक्टली जैसा कि मैंने डिस्कस किया था, जो लेवल मैंने दिए थे निफ्टी के, मैंने बोला था कि 12,000 के ऊपर अगर निफ्टी ट्रेड कर रहा है तो स्ट्रांग रहेगा। कहीं ना कहीं आज जो एक देखिए निफ्टी में फिर से बुल रन देखने को मिला है। और एक सबसे बड़ी खास बात आज निफ्टी की रही है, निफ्टी ने आज 12,060 के नीचे तो आया नहीं है, पहली बात। ठीक है, जो इसका एक सपोर्ट था कहीं ना कहीं 12,030 वाला, वो तो आज उसने नीचे की तरफ देखा तक नहीं। निफ्टी ने ऊपर की तरफ जा करके बार बार कहीं ना कहीं 12,115 या 12,120 के आसपास में, बेसिकली 115 के आसपास में रेजिस्टेंस ले रहा था, और उसको वो ऊपर की तरफ अभी ब्रेक नहीं कर पाया है। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्या है, देखिए नेक्स्ट कल है थर्सडे एक्सपायरी के दिन अगर मार्केट वोलाटाइल रहा, जो कि 60 to 70% जब भी एक्सपायरी का दिन होता है वोलाटाइलिटी अच्छी खासी देखने को मिलती है, तो अगर कल वोलाटाइलिटी दिखती है तो कहीं ना कहीं दोस्तों चांस है जो कि निफ्टी को 12,200 तक के लेवल पे ले जा सकता है। ठीक है, ऑलरेडी निफ्टी की क्लोजिंग 12,100 पर है। ठीक है, 12,100 की इसकी क्लोजिंग है, अभी 100 पॉइंट्स निफ्टी को गेन करने हैं। तो देखिए, निफ्टी के जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो पहले हम लोग देख लेते हैं। वीकली दोस्तों, मैंने जो रेंज डिस्कस की थी, कहीं ना कहीं हम लोग उसके पास में है। ये वाली रेंज तो निकल गई, अचीव हो चुकी है, ये रेंज अभी बाकी है, यानी 12,200 की रेंज बाकी है। सपोर्ट की बात कर लेते हैं, तो आज जिस हिसाब से निफ्टी ने ट्रेड किया है उस हिसाब से इसका जो नया सपोर्ट है 12,060 का बन रहा है, फिर 12,030 एंड देन 11,970 का। रेजिस्टेंस की बात करें तो ऊपर की तरफ जैसा कि आज हम लोगों ने देखा है क्लियरली, निफ्टी ने 12,115 पे रेजिस्टेंस लिया है, फिर से कई बार लिया इसने। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट रेजिस्टेंस विल बी 12,150, एंड इफ 150 इज क्रॉस्ड समवेयर वी कैन सी 12,180 एज वेल, बट 180 को अगर आप छोड़ दो तो जो मेन रेजिस्टेंस होगा 12,200 का होगा। तो चलिए अब एक बार जरा इसके हम लोग निफ्टी के डेटा पे, इंडेक्स पे नजर डालते हैं कि ऊपर की तरफ अगर हम लोग जाएंगे। ऑलरेडी देखिए, जो निफ्टी का पुराना डेटा है वो 12,103 तक का है। ठीक है, जो पुराना हाई था, तो अब ये नए हाई पे चल रहा है, तो वहां पे केवल अगर हमें अंदाजा लगाना होगा तो कहीं ना कहीं हम लोग ऑप्शन चेन की मदद जरूर लेंगे। तो दोस्तों, अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे ये देखिए, ये कॉल अनवाइंडिंग दिख रही है। ठीक है, यानी कि 12,300 के लेवल पे कॉल अनवाइंडिंग आपको दिख रही है, अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट है। फिर यहां भी अनवाइंडिंग देखने के बाद में एक ये कॉल अनवाइंडिंग आप देखिए 12,400 पर। ठीक है, बट अब इसके बाद में आप कॉल राइटिंग देखिए कहां पर ज्यादा हुई है, यानी 2,58,000 की कॉल राइटिंग यहां पर देख रहा है, चेंज इन ओआई है ये, और टोटल जो ओआई है वो 21 लाख है, 21.5 लाख का, यानी कि। और उसके बाद में भी दोस्तों देखिए 12,300 से भी कहीं ना कहीं कॉल अनवाइंड हुआ है। तो अब यहां से ओवरऑल जो पिक्चर बन रही है वो देखिए, अभी भी ये लेवल 24 ऑलमोस्ट 25 लाख का जो ओआई है वो है 12,200 पर। ठीक है, उसके पहले 12,150 पर भी अच्छा खासा स्ट्रांग रेजिस्टेंस रहेगा। अगर ये दोनों लेवल दोस्तों ब्रेक हो जाते हैं, जो कि इस वीक में पॉसिबल नहीं है, ठीक है, इस वीक में पॉसिबल नहीं है, लेकिन बट अगर 12,200 ब्रेक हो जाता है तो कहीं ना कहीं आपको 300 तक के भी लेवल आराम से मिल सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं हम लोग सपोर्ट में। तो सपोर्ट में आप देखिए 12,100 के लेवल पे पुट राइटिंग, चेंज इन ओआई देखिए 13 लाख से भी ज्यादा क्या है। ठीक है, तो एक बहुत स्ट्रांग सपोर्ट बन चुका है 12,100 का, और उसके जस्ट नीचे 5.8 लाख का और ओआई है नया, चेंज इन ओआई है, यानी कि टोटल आप देखोगे 20 लाख और 26 लाख का यहाँ पे पुट राइटिंग है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि निफ्टी इज वेरी स्ट्रांग है 12,050 एंड 12,100। ओके, और ऊपर की तरफ भी आप देखो तो 12,150 पर भी अच्छा खासा यहाँ पर पुट राइटिंग दिख रही है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों कल मेरा अंदाजा है, 70% मेरा मानना है
कि अगर निफ्टी कल 12,070-80 के ऊपर ट्रेड करता रहेगा, ठीक है, या फिर 100 के ऊपर रहेगा, तो कहीं ना कहीं आपको 12,150 और 12,200 के लेवल देखने को कल इजीली मिल सकते हैं। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो दोस्तों बैंक निफ्टी में भी इसी को बोलते हैं, देखिए दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बताया था, उसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो एक ट्रेंड देखने को मिला है, ठीक है, कल के ट्रेड में कंसोलिडेट किया था बैंक निफ्टी ने हाई, लेकिन हाई पिछले कैंडल से ज्यादा का हाई मारा था, आज की कैंडल का हाई उससे भी ज्यादा, यानी 31,900 का लेवल ऑलरेडी आ चुका है। तो दोस्तों बैंक निफ्टी में नेक्स्ट लेवल क्या होंगे, तो नेक्स्ट लेवल के लिए देखिए फिर से हम लोग वाई डेटा को रिफर करके जो हमारे पास डेटा बनता है वो रहेगा 31,000, ये तो सपोर्ट रहेगा 31,830 का। अगर ये डाउन साइड ब्रेक होता है 31,750 का, देन 31,680 एंड देन 31,470 का। अब अगर ऊपर की बात कर ले, 31,920 इज द न्यू रेजिस्टेंस, फिर 32,000 जो कि ऑलरेडी एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये क्रॉस कर लेता है और वोलेटिलिटी ठीक ठाक रहती है, तो आपको 32,100 और 32,300 के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम में जाकर के सर्च कर सकते हैं एनआरजे फाइनेंस और यहाँ ज्वाइन कर लीजिए। आपको डेली इसमें स्टॉक अपडेट, फ्यूचर अपडेट्स, कौन से फ्यूचर कौन से ऑप्शंस आप ले सकते हैं, उससे रिलेटेड मैं इन्फॉर्मेशन पोस्ट करता रहता हूँ, साथ में चार्ट एनालिसिस डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक्स की भी अपडेट करता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल फिर से मिलते हैं नई एनालिसिस के साथ में। कल ऑप्शन एक्सपायरी है, ठीक है, मंथली एक्सपायरी है, तो संभल के ट्रेड कीजिएगा, और साथ में एक एक्सपायरी पर जो स्ट्रेटजी होती है उससे रिलेटेड मैंने वीडियो बना रखा है, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके पास कोई भी स्टॉक से रिलेटेड क्वेरी है, किसी निफ्टी फिफ्टी के स्टॉक से रिलेटेड कोई डाउट है, आपने पोजीशन बना रखी है, तो आप डेफिनेटली मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जा करके कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही, कल फिर मिलते हैं नई एनालिसिस के साथ में, तब तक लिए हैप्पी ट्रेडिंग।